हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड के मेरिट लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दो आरसी के लिए बीएड का मेरिट लिस्ट देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुंबई रीजनल सेंटर के लिए। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो अपडेट कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट फॉर बीएड एडमिशन काउंसलिंग जनवरी 2021, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए मेरिट लिस्ट। तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपका हाईएस्ट मार्क्स जो गया है वो 81 गया है, और 81 से नीचे मार्क्स वाले भी स्टूडेंट इस कन्फर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 23 ऐसे स्टूडेंट है जो कि कन्फर्म मेरिट लिस्ट में है, और यहाँ से कुछ स्टूडेंट का टाई अप हो गया है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि इन लोगों का सेम मार्क्स है तो इन लोगों को टाई अप केस में रखा गया है, राइट। और टाई अप केस में आपको यहाँ पे बताया गया है कि टाई अप को रिजॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ये जितने स्टूडेंट है टाई अप में उनमें से किसी एक स्टूडेंट को सीट मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है टाई ब्रेकर फॉर वन सीट, राइट। तो हाईएस्ट मार्क्स आपका 81 गया है जनरल के अंदर, और लोएस्ट मार्क्स आपका गया है 68, मींस 68 इसका कट ऑफ गया है, और 68 से प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट जनरल के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका जनरल कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जिनका मार्क्स है 68, राइट, 68 और 67। तो इन दो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के 13 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जहाँ की आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ से लेकर के इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है वो टाई ब्रेकर इफ सीट रिमेंस, ओके। और यहाँ वाले स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन रखा गया है कि सीट ब्रेकर इफ सीट रिमेंस, ओके, मीन्स आपको सीट होगा देन आपको सीट मिलेगा वेटिंग लिस्ट वाले को, राइट। और देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी के लिए देखते हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट मार्क्स 68 गया है, और 68 से नीचे मार्क्स वाले भी स्टूडेंट इस कन्फर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, जिनका मार्क्स है 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, राइट, मीन्स 62 कट ऑफ गया है, 62 से प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट इस कन्फर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। और यहाँ से लेकर के 5 स्टूडेंट का टाई अप हुआ है, जो कि टाई अप का कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, और किसी एक स्टूडेंट को सीट मिलेगा ये आपको मेंशन कर दिया गया है। और ओबीसी के अंदर भी कुछ स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जहाँ से वेटिंग लिस्ट वाले यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट है 62 मार्क्स वाले, 61, 59, 58, 57, इतने स्टूडेंट जो है वो 14 स्टूडेंट वो वेटिंग लिस्ट में है। तो आप लोग वेट कीजिएगा, वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स में भी आपको सीट मिले, राइट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के। तो नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी, राइट। तो एससी कैटेगरी के अंदर आपका हाईएस्ट मार्क्स गया है 65 और लोएस्ट मार्क्स गया है 57, और टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है, और 2 स्टूडेंट का टाई अप हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, और टाई अप में से किसी एक स्टूडेंट को सीट मिलेगा। तो इतने सारे स्टूडेंट एससी कैटेगरी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, राइट। और एससी कैटेगरी के कुछ वेटिंग लिस्ट भी निकाले गए हैं, जिसमें 6 ऐसे स्टूडेंट है जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जिनका मार्क्स है 57, 57, 53, 53 और 52, राइट। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी। तो एसटी के अंदर 4 स्टूडेंट का नाम कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जिनका मार्क्स है 62, 61, 57, 55, राइट। तो ये 4 स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में भी एसटी के अंदर रखा गया है, जो कि 5 स्टूडेंट आप देख पा रहे हो, 5 स्टूडेंट है जिनका मार्क्स है 54, 53, 52, 51, 51। तो ये 5 स्टूडेंट्स एसटी के अंदर वेटिंग लिस्ट में है। और देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। तो नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2 स्टूडेंट का नाम कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जिनका मार्क्स एक का है 59 और एक का है 61, राइट। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपका पीएच कैटेगरी, राइट। तो पीएच के अंदर 2 स्टूडेंट्स का कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है, जिनका 50 और 50 मार्क्स आया है, ओके। और एक स्टूडेंट को पीएच कैटेगरी के अंदर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जिनका मार्क्स है 58। तो मुंबई रीजनल सेंटर के स्टूडेंट
जिन्होंने वीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, देन वो इस मेरिट लिस्ट में नाम अपना चेक कर ले। किसी तरीके की इशू आती है देन आप कमेंट कीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कस करते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड करते हैं, राइट। और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट थोड़ा वेट कर लेंगे और अपना ईमेल कंटिन्यू चेक करते रहेंगे, मे बी आपको ईमेल जाएगा या फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जैसे ही निकाला जाएगा देन मैं आपको अपडेट कर दूंगी, राइट। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रीजनल सेंटर के लिए। तो जोधपुर रीजनल सेंटर पे जो मेरिट लिस्ट अपडेट करके रिमूव किया गया था वो फिर से कल अपडेट कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जयपुर और जोधपुर दोनों रीजनल सेंटर के लिए अपडेट किया गया था। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जनरल मेरिट लिस्ट, राइट। तो जनरल कैटेगरी का मेरिट लिस्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। तो देखिएगा, तो हाईएस्ट मार्क्स, सबसे हाईएस्ट मार्क्स गए 83, और 83 से भी नीचे मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ पे बहुत लंबा सा पीडीएफ आपको जारी किया गया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल है। जैसे कि अगर आप लास्ट देखेंगे तो लास्ट पीडीएफ आपका 12 पेज का पीडीएफ है, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 311 स्टूडेंट्स है जनरल के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वीएड मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग 2021 जनरल कंफर्म्ड। ओके, तो ये जनरल का कंफर्म मेरिट लिस्ट है जो कि 12 पेज का निकाला गया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे दो रीजनल सेंटर है, जयपुर और जोधपुर, राइट। तो जयपुर और जोधपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट जिन्होंने अपना वीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, देन वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। हाईएस्ट मार्क्स आपका 83 गया है और लोएस्ट मार्क्स आपका 71 गया है, मींस 71 इसका कट ऑफ गया है। 71 से प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट जनरल के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में, राइट। और जनरल कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट भी निकाला गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका जनरल का वेटिंग लिस्ट, जो कि आप यहाँ पे जनरल वेटिंग देख रहे होगे। ओके, तो वेटिंग लिस्ट में भी बहुत लंबा सा पीडीएफ निकाला गया है, जो कि 4 पेज का पीडीएफ है आपका, जिसमें 102 स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स को रखा गया है वेटिंग लिस्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे तो 71 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है जनरल कैटेगरी में, और नीचे आएंगे तो 71 मार्क्स वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे। टोटल लगता है 71 मार्क्स वाले ही स्टूडेंट्स हैं। तो इतने सारे 102 स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 71 ही है और इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो ये लोग नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर लीजिएगा और अपना ईमेल कंटिन्यू चेक करते रहिएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। और नेक्स्ट कैटेगरी है आपका ओबीसी। ओके, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका हाईएस्ट मार्क्स 77 गया है और 77 से नीचे मार्क्स वाले भी स्टूडेंट इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है ओबीसी के अंदर, जिनका मार्क्स है 77, 74, 71 और नीचे आएंगे तो ये टोटल 71 का पेज है। यहाँ पे भी 71, 70 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, 70 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट। अगर टोटल पीडीएफ देखेंगे तो 7 पेज का टोटल पीडीएफ निकाला गया है, जिसमें 69 लोएस्ट मार्क्स है, मीन 69 कट ऑफ गया है ओबीसी का। तो 69 से प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट इस कैटेगरी के अंदर, ओबीसी कैटेगरी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है। तो आप लोग अपना नाम खुद से भी चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ओबीसी के कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है, जिसका लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो टोटल 27 ऐसे स्टूडेंट है जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है ओबीसी के अंदर, राइट, जिनका मार्क्स है 69। ओके, तो ये सब स्टूडेंट नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर ले, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा या फिर आपको ईमेल जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे देन। ओके, तो आप लोग चेक करते रहिएगा ईमेल, राइट। और नेक्स्ट कैटेगरी का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपका एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के अंदर आपका हाईएस्ट मार्क्स 74 गया है और 74 से नीचे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, जिनका एक लंबा सा पीडीएफ जारी किया गया है जो कि टोटल 4 पेज का है। ओके, तो 4 पेज में आप देखेंगे तो टोटल 90 स्टूडेंट्स है जो कि कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जिनका लोएस्ट मार्क्स गया है 67, मींस 67 इसका कट ऑफ गया है, और 67 प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो टोटल 90 स्टूडेंट है जो एससी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जोधपुर और जयपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा, और कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है एससी कैटेगरी के। तो टोटल 32 स्टूडेंट्स है एससी के अंदर जो कि वेटिंग लिस्ट में है, जिनका मार्क्स है 67, आप यहां पर देख सकते हैं, और नीचे आएंगे तो 67 मार्क्स वाले ही स्टूडेंट है। तो टोटल 32 स्टूडेंट है जो कि एससी कैटेगरी के अंदर वेटिंग लिस्ट में है। तो ये सब स्टूडेंट वेट कर लीजिएगा नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का और अपना ईमेल कंटिन्यू चेक करते रहिएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपका एसटी कैटेगरी, राइट। तो एसटी कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स 73 गया है और 73 से नीचे मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में है। टोटल स्टूडेंट आप देखेंगे तो 48 ऐसे स्टूडेंट्स है
जो कि एसटी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और इनका लोएस्ट मार्क्स गया है 67, मींस 67 इसका कट ऑफ गया है। तो 67 से प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो जोधपुर और जयपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लेंगे, किसी तरीके की इश्यू आएगी देन आप कमेंट करेंगे, और इसका वेटिंग लिस्ट भी आपके लिए निकाला गया है। टोटल 5 ऐसे स्टूडेंट है जिसको एसटी के अंदर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है जिनका मार्क्स है 67, राइट। तो ये सब स्टूडेंट वेट कर लेंगे नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का, या फिर आप अपना ईमेल चेक करते रहेंगे, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अपना नाम खुद से भी चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट कैटेगरी के लिए देख लेते हैं, तो EWS कैटेगरी, ओके। तो EWS का कंफर्म मेरिट लिस्ट निकाला गया है जिसका 3 पेज का PDF है, जिसमें टोटल 65 स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है जिसका हाईएस्ट मार्क्स गया है 71, राइट। और 71 से नीचे मार्क्स वाले भी सभी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जिनका मार्क्स लोएस्ट आप अगर देखेंगे तो 58 गया है, मींस 58 इसका कट ऑफ गया है। तो 58 से प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट EWS कैटेगरी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, आप लोग अपना नाम खुद से भी चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो EWS के अंदर 8 ऐसे स्टूडेंट है जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है जिसका नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और मार्क्स इधर रहा जो कि मार्क्स है 58, 57, 56, 55, 54, 53 और लास्टली 51, राइट। तो इन स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ये सब स्टूडेंट वेट कर ले नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का, ओके। और नेक्स्ट कैटेगरी है आपका PH कैटेगरी, राइट। तो PH कैटेगरी के अंदर टोटल 33 ऐसे स्टूडेंट है जिनका नाम कंफर्म मेरिट लिस्ट में है जिसका हाईएस्ट मार्क्स गया है 72, राइट। और 72 से नीचे मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और लोएस्ट मार्क्स इस कैटेगरी का गया है 59, तो 59 इसका कट ऑफ गया है। 59 से प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, तो आप लोग अपना नाम इस लिस्ट के अंदर चेक कर लीजिएगा, किसी तरीके की इशू आती है देन कमेंट कीजिएगा। और PH कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट भी निकाला गया है, तो PH कैटेगरी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जो कि 7 ऐसे स्टूडेंट है जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है जिनका मार्क्स है 59, 58 और टोटल ये सब 58 वाले ही है, ओके। तो ये लोग अपना ईमेल कंटिन्यू चेक करते रहे या फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर लीजिएगा, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जयपुर और जोधपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर लेटर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से इस नोटिस को देख लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको फी बताया गया है और जो भी आपके लिए नेक्स्ट प्रोसेस होगा इस लिस्ट में आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, किसी तरीके की इशू आती है देन आप कमेंट कर लेना। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी आपको मेंशन किया गया है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।